was yours, you were mine. Hello friends, welcome and welcome back to my channel, Pretty Girl. I hope कि आप सभी अच्छे होंगे. मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो आज हम फिर से एक बार लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो. तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मनी सीटिंग पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का. वेज और नॉन वेज बहुत ही अच्छा है. तो चलिए हम जान लेते हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे कि इसको बने हुए कितना टाइम हो गया और यहाँ का फेमस जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है. स्टार्ट. तो ये है यहाँ के इंचार्ज. तो हम जान लेते हैं यहाँ इनसे कि ये कितने टाइम पहले खुला हुआ है. तो भैया आप बताएंगे कि इसकी ओपनिंग कब हुई थी. कितना टाइम हो गया? 2 मंथ हो गया. 2 मंथ. और भी आपके यहाँ कहीं लखनऊ में इसकी ब्रांचेज हैं? उसके अलावा 2 ब्रांचेस हमारी और है. वो कहाँ कहाँ पर है? गोमती नगर में मलिक पत्रकारपुर चौराहे पे है. एक जस्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मलिक टिम्बर चौराहे पे है, वहाँ पे भी हमारी ब्रांच. अच्छा, तो ये बताइए जो यहाँ का फेमस है सबसे ज़्यादा नॉन वेज में वो क्या है? बहुत ज़्यादा नॉन वेज है. शोरमा रोल है आपका, चिकन मसाला है, बिरयानी वगैरह सब फेमस हमारे. और नॉन और वेज में क्या आपका फेमस है? इंडियन डिशेज है मैम, जैसे पनीर का डिश था, पनीर की डिशेज है मैम, सब फेमस है. तो एड्रेस आप बता सकते हैं यहाँ एक कहाँ पे? आशियाना बाजार, सॉरी बंगला बाजार, पुलिस चौकी जस्ट बगल में. तो ये है आशियाना बाजार में है, बंगला बाजार के जस्ट पुलिस चौकी है उसके पास में. तो आप भी अगर यहाँ आसपास के एरिया में रहते हैं और यहाँ नहीं रहते हैं, अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो एक बार यहाँ आकर ज़रूर चेकआउट करें. यहाँ का जो खाना है बहुत ज़्यादा टेस्टी है. तो चलिए हम पहले आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा बना हुआ. तो ये 2 फ्लोर पे है, एक है ग्राउंड फ्लोर और एक हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर. तो स्टेयर पे चढ़ने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा. यहाँ का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने उसको डेकोरेट करके रखा है. ये देखिए इस तरीके से आप इसको बर्थडे और रिंग सेरेमनी वगैरह के लिए, एनिवर्सरी के लिए भी बुक कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा और स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है. और ये देखिए वॉल पर कितना अच्छा डिज़ाइन वगैरह पैटर्न है ये लगा हुआ है. और साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, ऐसा नहीं है. और सर्विसिंग भी यहाँ की अच्छी है. चलिए ये मैं नीचे की तरफ आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए इस तरीके से जो खाने वाली चीज़ है उनको तैयार किया जाता है. ये आप देखिए इनका जो रोल है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि मोस्टली लोग यही ले जाते हैं, यही खाते हैं. फिर देखिए ये आप देख सकते हैं रोस्टेड को किस तरीके से तैयार किया जाता है. ये देखिए इस तरीके से यहाँ रोस्टेड चिकन उसको तैयार किया जा रहा है. और उसके बाद ये देखिए कबाब वगैरह जो रोल में लगाने के लिए उसको किस तरीके से बनाया जाता है ये सब आप देख सकते हैं. और ये आप रोल के लिए जो पराठा तैयार किया जाता है वो बनाया जा रहा है. ये देखिए इस तरीके से बना के पहले रख लेते हैं, ज़्यादा अगर बनाना होता है नहीं तो फिर ये ताज़ा ताज़ा ही बनाते हैं यहाँ पे. और इधर ये पैकिंग का काम चल रहा है. ये देखिए यहाँ इसको जो तैयार किया जाता है कबाब की स्टफिंग के लिए, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें 2-3 जगह करके फिर उसको किया जाता है तैयार. ये यहाँ पर इसमें इन्होंने चिकन को ऐड करेंगे ये मसाला डालने के बाद. ये कबाब के लिए तैयार हो रहा है इसलिए. ये देखिए इतने बड़े बड़े ये कढ़ाई वगैरह हैं, उसमें इन सब चीज़ों को तैयार किया जा रहा है. काफ़ी टेस्टी है. मैंने यहाँ का अभी तक केवल नॉन वेज ही ट्राई किया है क्योंकि मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है. और ये देखिए आप कितने तेज़ी से काम चालू है और यहाँ ये जो रोल है उनको पैक किया जा रहा है. और ये देखिए आप तो बस. और इस तरीके से ये इसको पैक कर देते हैं. ये देखिए पैकिंग का तरीका भी कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा क्विक है. आपको बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. ये देखिए ये बस जाने के लिए तैयार हैं और आप इसको ये सिल्वर फॉइल में पैक कर देंगे. फिर आपका जो रोल है वो खाने के लिए एकदम से तैयार है, गर्मा गर्म. ये देखिए आप. तो ये देखिए ऊपर वाला जो हॉल है उसके बाहर की तरफ का एरिया है. और यहाँ भी इस तरीके से चेयर्स वगैरह हैं, यहाँ भी आप मतलब खा सकते हैं इधर बैठ के. और ये जो सामने आपको दिख रहा है वो ऊपर का रिसेप्शन है और नीचे का जो है वो अलग है. इसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से एक और बार. ये देखिए
इस तरीके का है कुछ, और आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है ये, देखिए। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ और वहाँ दिखा देते हैं। तो ये देखिए नीचे बना हुआ है बेसमेंट में, और ये कुछ इस तरीके का है ये देखिए। तो ये भी काफ़ी बड़ा है ये देखिए। ये नीचे का रिसेप्शन है वो अलग है और ऊपर का अलग है। और यहाँ का जो बैकग्राउंड था वो एकदम अलग था ऊपर के बैकग्राउंड से बिल्कुल ही। यहाँ भी काफ़ी अच्छा था ये देखिए। तो बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है, साफ़ सफाई तो है ही, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा महंगा कुछ नहीं मिलने वाला है। जो चिकन रोल है उसका प्राइस 70 to 80 रुपीज़ है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ के मेन्यू पर, आप भी देख लीजिए मेरे साथ। ये देखिए रोल्स में आपको ये इतने तरीके के रोल्स हैं वो मिल जाएंगे, 48 रुपीस से स्टार्ट है आपका। उसके बाद चिकन रोल में है ये सारे, और उसके बाद सोया चाप देख सकते हैं आप, इसमें भी आपको ये हाफ़ और फुल में है। उसके बाद वेज प्लेटर में आप देख सकते हैं, नॉन वेज में देख सकते हैं आप जो भी लेना चाहें। और ये इधर देखिए चाइनीज़ मेन कोर्स में वेज में और नॉन वेज में, जो आपको वेज में मिलेगा वही आपको नॉन वेज में डिश भी मिल जाएगी ये देखिए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इंडियन मेन कोर्स वेज में, और ये आपको दूसरे वाले तरफ दिख जाएगा आपको नॉन वेज में। तो ये सारा ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ, ये आप देखिए प्राइस भी देख ही सकते हैं। तो हमने जो ऑर्डर किया था वो ये था रोल, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। जितना ज़्यादा अच्छा था देखने में उतना ज़्यादा खाने में था कि नहीं, तो वो तो मैं आपको खा के बता देती हूँ कि कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और आप अगर इसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ खाएंगे तो और ही ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देखिए, मतलब आपका पेट अच्छे तरीके से भर जाएगा एक रोल में। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय एंड सी यू।